जनवरी 2009 में न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही परिंदों का एक झुंड इससे टकरा गया। इंजन फेल हुआ और पायलट ने बड़ी महारत से जहाज को हडसन दरिया में लैंड करवाया। खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जहाज से टकराने वाला झुंड कैनेडियन गूस यानी जंगली बतख परिंदों का था। इस वाका के बाद एयरपोर्ट के आसपास इन परिंदों की आबादी को रोकने का सोचा गया। इस काम के लिए जो तरीका अपनाया गया था वो था अंडों पर तेल लगाने का। मामला कुछ यूं है कि अंडे में मौजूद एम्ब्रियो की सेल्स को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं जिसे अंडे से बाहर निकालना होता है। इन गैसों के अंदर और बाहर जाने के लिए अंडे की बाहरी छलके पर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों की तादाद हजारों में होती है और साइज इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आते। जब अंडे पर तेल लगाया जाता है तो यह सुराख बंद हो जाते हैं जिससे ऑक्सीजन अंडे के अंदर हल नहीं हो सकता है, जिससे अंडे में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से अंडे में नया बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंडों को तेल लगाने के बजाय उन्हें तोड़ क्यों नहीं दिया जाता है। अंडे को तोड़ना थोड़ा सा गलत भी मालूम होता है, अलबत्ता ज्यादा अहम वजह यह है कि जंगली बतख का अंडा तोड़ने से वो अपनी नई नस्ल चलाने के लिए फिर से मिलाप करके नए अंडे देती है। लेकिन अगर अंडा तोड़ने के बजाय इसे सिर्फ तेल लगा दिया जाए तो यह जंगली बतख इन्हीं अंडों पर बैठती रहती है और इनका ख्याल रखती है, इस बात से बेखबर कि अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा। कैनेडियन गूस और इस जैसे कुछ दूसरे परिंदे अपना इलाका बदलते और माइग्रेशन करते रहते हैं। जिस जगह इनका घोंसला कामयाब हो जाए और बच्चे पैदा हो जाए तो वो अपना पंख वहां गिरा देते हैं और वही बस जाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे पैदा करने में नाकाम हो जाए तो वो उस जगह को गलत जानकर वहां से माइग्रेशन कर जाती है। यह तरीका जंगली बतख के अलावा दूसरे परिंदों पर भी किया जाता है। यह भी वजह रहे कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अंडे नाकारा करने के लिए माहिर लोग होते हैं और इस काम के लिए उन्हें एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से इजाजत भी लेनी पड़ती है, जो यह भी ख्याल रखती है कि इस काम में ज्यादती तो नहीं हो रही है। और आमतौर पर इस काम के लिए कॉर्न ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जो परिंदों के लिए किसी और तरह से नुकसानदेह नहीं होता है।